साबुन है क्या? जिनको साबुन नहीं मिला कल मिल जाएगा, आज स्टॉक कहीं नहीं मिला था, कल फिर ला के दो पानी के लिए, खाने के लिए फिर आप कल भी भोजन मिलेगा। साबुन सुन लीजिए, कल भी यही टाइम में इससे आधा घंटा पहले आप लोग को भोजन मिल जाएगा। तीन आदमी और तब तक कंटिन्यू आप लोग को भोजन उपलब्ध हम लोग करवाएंगे और यह सारा कार्यक्रम दीजिए वहाँ आप ले लिए ना चाचा। साबुन 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 है, अरे खाना मिल गया दीजिए दीजिए, फोटो लीजिएगा। पानी के लिए पानी लीजिए, बिना फोटो सुबह अजी एक आदमी साबुन भी देते पानी का तो भी बढ़िया साबुन प्लीज ले पानी ले लिए सनी ए मंजिए दा पानी ले ले पानी 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 हम लोग कार्य कर रहे हैं समाज के द्वारा। ठीक है सर, शुक्रिया। तीन आदमी और है कोई? और दोपहर सॉरी दो आदमी और भेजिए, दोपहर में भी आप लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। हम लोग पहल ये कर रहे हैं कि जो गरीब हैं, जो दरिद्र नारायण हैं, उनको खाना कहीं से मिल नहीं पा रहा है, हर जगह से बंद हो गया है, ये कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, तो इनकी व्यवस्था के लिए खाने पीने के लिए हम लोगों ने ह्यूमन हेल्पलाइन के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाया कि गरीबों को देखें। बाकी जो घर में है वो तो खुद खरीद कर खा ले रहे हैं, लेकिन ये गरीब कहाँ से लाएंगे, ये कहीं जा नहीं सक रहे हैं, तो इनके लिए समाज से कुछ लोग आगे आए हैं, वो लोग हमारे ह्यूमन हेल्पलाइन के जरिए सबको खिला रहे हैं। सुबह से अभी तक 4-5 टीम आ चुकी है, तो खाना सबको खिलाई है, और जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग सुबह शाम तीनों टाइम इन लोगों को खाना देते रहेंगे। मामले में अपील क्या करेंगे? हम तो प्रशासन से अपील करेंगे, DC और CO BDO से, कि जो जहाँ गरीब है, स्टेशन पर कहीं भी है, उनको खाना तीनों टाइम व्यवस्था कराएं। हम लोग से जितना हो सक रहा है कतरास स्टेशन पर करवा रहे हैं, हमारी रोटी बैंक भी है धनबाद में, उनको भी हम लोग एक्टिव कर चुके हैं, वहाँ भी वो खाना पहुँचा रहे हैं हर जगह। अब पूरे ऐसा नहीं है कि हम लोग हर जगह व्यवस्था कर पाएंगे पूरे झारखंड में, लेकिन सरकार से भी अपील है कि वो सब जगह गरीबों को खाना पहुँचाएँ।